चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, अनुराग यादव से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 437 है। इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला है, अयोध्या यूपी से हैं। तो अनुराग, सबसे पहले तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र और निमसेट की रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो मैं अनुराग के बारे में बताऊंगा। अनुराग ने जो ये रैंक अचीव की है वो फाइनल ईयर के साथ की है, पीसीएम था अनुराग का, बीएससी बैकग्राउंड था। तो अनुराग, अक्सर ये होता है कि कई बच्चे फाइनल ईयर में या सेकंड ईयर में ये सोचते हैं कि हम ड्रॉप लेके ही पढ़ेंगे, या अभी हम हो सकता है दोनों मैनेज ना कर पाए। पर इम्पिटस की एक अच्छी बात है कि जो बच्चा सोच लेता है और इम्पिटस से जुड़ता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू लिए। तो मैं चाहूंगा आपकी जो सक्सेस जर्नी है, आप ऑनलाइन से जुड़े हुए थे, वो क्या थी? आपने पहले तो निमसेट के लिए सोचा कब, फिर किस तरह से आपने मैनेज किया और कैसे आपकी रैंक आई? क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, क्या वीकनेसेस थी, वो जरूर बताओ, क्योंकि ये जो इंटरव्यू सेशन होते हैं ये कई लोगों की लाइफ को चेंज कर देते हैं। यस सर, तो मैंने सितंबर में डिसाइड किया था कि निमसेट के एग्जाम देना है। तो सितंबर में क्या था कि पूरा फाइनल ईयर है, इस साल अपियरिंग है, तो मतलब पहले से मन में आ गया था कि चांसेस बहुत कम है होने के, पता नहीं क्यों बट था। तो फिर उस टाइम पर ये था कि लोग ट्राई लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर एक साल ड्रॉप लेके करेंगे, क्योंकि काफी सुन रखा था कि लोग ऐसा करते हैं। तो फिर सर स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी से शुरू किया था, तो सितंबर में स्टार्ट किया, लगभग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया मैंने। सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही होता है सब करते हैं ऐसे। लेकिन फिर हुआ क्या कि 2 महीने बीत गए लगभग, और मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है इसमें। और फिर सोचा कि लाओ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आर.डी. शर्मा उठाया। आर.डी. शर्मा में क्या हो रहा है कि वो बन ही नहीं रहे क्वेश्चन, पता लगा 2 महीने से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा और क्वेश्चन बन नहीं रहे। फिर थोड़ा वही पैनिक स्टार्ट हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, 2 महीने बीत गए और कुछ रिजल्ट भी नहीं निकला। फिर शायद नवंबर में 2020 का रिजल्ट आया, तो आपने यूट्यूब पे सेशन वगैरह नहीं है, काफी अच्छा रिजल्ट आया था इंपिटस का सवाल की तरह। तो सर फिर उसमें आपने एक नया अपना स्टार्ट किया था, बैच डी बैच स्टार्ट किया ऑनलाइन में। तो हमने सोचा कि अब एग्जाम आने वाले हैं, नवंबर चल रहा है, इससे अच्छा शायद मौका नहीं होगा ज्वाइन करने का, कर लेते हैं। 2 महीने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए, अब कम से कम क्या पता यहीं से कुछ हो जाए। फिर स्टार्ट किया, तो शुरुआत में क्या था कि पहले यही था कि टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। फिर शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री से आपने भी स्टार्ट किया, तो आपने स्टार्ट किया था कि हाँ पढ़ के आए 2 महीने से, देखते हैं क्या पढ़ा है, तो उसको पढ़ा। फिर लगा कि 2 महीने में असल में जो पढ़ा वो कुछ भी नहीं था शुरुआत से, तो अब शुरुआत करनी है। फिर वहां से पढ़ा, क्वेश्चन वगैरह बनाए, बनने लगे। फिर टेस्ट आपने लिए, वीकली टेस्ट होते थे शुरुआत में, उसमें स्कोर अब कभी डाउन, प्रैक्टिस चलती गई होता गया। फिर ऐसे चलता गया सर, फिर लास्ट में आपने मॉक स्टार्ट किए, मॉक में शुरुआत में काफी कम स्कोर आ रहा था, जिससे बहुत मतलब एक होता है पैनिक क्रिएट हो जाता है, पैनिक फिर से क्रिएट हुआ। फिर था कि बाकी लोग का भी ऐसा ही चल रहा था, किसी का अप किसी का डाउन। तो जैसे साथ के दोस्त थे, हम लोग ग्रुप में ऑनलाइन डिस्कस करते थे, सबका ही ऐसा चल रहा था। उसके बाद था कि नहीं इसको सुधारना है, करते गए फिर ऐसे लास्ट में मॉक का स्कोर, आपने कहा था एनालिसिस करने का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वही, और शुरुआत में यही गलती कर रहा था मैं, जिससे वही क्वेश्चन रिपीट होते थे, तो फिर वही गलती, क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया, रिपीट हुए उसे फिर से छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर एनालिसिस स्टार्ट किया लास्ट में, एनालिसिस किया, तो फिर जब क्वेश्चन रिपीट होने लगे तो फिर था कि हाँ अब इन्हें टिक करते हो रहा था। इस तरह से सर फिर एनालिसिस ने बहुत हेल्प की, तो मेन एनालिसिस था। जी सर, तो देखो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आपने सितंबर में पहले सोच, कई बार ऐसा होता है, देखो हर तरह के बच्चे अलग अलग होते हैं। आपने सेल्फ स्टडी की पर आपका वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ, आपने देर नहीं करी और डिसीजन लेके एक अच्छा काम किया कि आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। कई लोग क्या होता है डिसीजन ही नहीं ले पाते। दूसरा ये होता है कि आपको पहले लग रहा था कि मैं फाइनल के साथ निकाल पाऊंगा कि नहीं, पर फिर भी एक अच्छा एक डिसीजन लिया कि चलो करते तो है। अच्छा, ये डिसीजन लाइफ में सबसे अच्छा होता है कि अगर आपने फाइनल के साथ सोचा करते तो है, तो मान लो कि आपका ड्रॉप आपने दिया एग्जाम और नहीं भी हुआ तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, हम ड्रॉप लेते हैं तो जीरो पे नहीं होते। पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में तैयारी करता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं, हो भी जाता है वो सिलेक्ट। देखो आप नहीं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने दो काम अच्छे किए, पहला कि फाइनल में चलो ट्राई तो करते हैं, दूसरा सेल्फ स्टडी से जो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी वो देखने के बाद आपने कहा नहीं चलो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई कर लें। अगर आप इसको नहीं करते तो हो सकता आपको ड्रॉप लेना पड़ता, पर सोचिए आज आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला, एक सही समय पे सही डिसीजन लेने से प्लस पॉइंट होते हैं जो आपने लिए अनुराग।
तो अनुराग एक चीज बताओ, आपने जैसे आपने अपनी सारी बातें बता दी, तो जब आप ऑनलाइन पढ़ने लगे धीरे धीरे, टेस्ट में स्कोर अप डाउन भी होता है, ये बात भी सही है बिल्कुल, पर आपने हिम्मत बनाए रखी, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने जो फील किया है या जो एक्सपीरियंस लिया है, वो कहीं ना कहीं कोई बच्चा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है फाइनल ईयर में, वो सुन के समझ पाएगा कि मैं ये गलती ना करूं, जो आपको लगता है। सर, सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी कि जब एग्जाम आ गया फाइनली, पूरे साल भर तो फोकस बना के रखा। कई टाइम पे ऐसा होता भी था कि अप डाउन होता था, तो आप जैसे एग्जाम के 1 महीने पहले तो ऐसा हो गया था कि स्कोर जो भी आ रहा हो, लेकिन जैसे लगे हल्का था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, फिर आपकी क्लासेस हो जाती बार बार, दिन में लगभग कई बार आपकी क्लासेस होती थी, उससे ये था कि जैसे हल्का डाउन होने लगे आप क्लास में, आपकी क्लास में मोटिवेशन वैसे इतना हाई हो जाता है, उसके बाद फिर से शुरू करें वापस से, और फिर ऐसे होता रहे। गलती ही मैंने करी कि जब एग्जाम के 1 रात पहले आपने सेशन भी लिया था कि नर्वस नहीं होना है, एकदम फ्रेश माइंड से करो, रिलैक्स हो जाओ, और मैंने ये गलती कर दी सर कि एग्जाम के पहले वाली रात को सबने कहा था कि सोचना नहीं है, लेकिन फिर वही सीन हो गया, मैं पूरी रात सोचता ही रह गया, और एग्जाम के पहले वाली पूरी रात में बस लेट के टेंशन में था, पता नहीं किस बात की टेंशन थी, मगर थी। तो सर रात में सिर्फ 2 घंटे सो गया था मैंने इंसर्ट के 1 रात पहले। इससे अल्टीमेटली हुआ ये कि एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, क्वेश्चन जो याद थे वो भी भूल गया मैं, तो ये गलती थी। सबको ये कहना चाहूंगा कि मेन गलती ये मत करना, नींद पूरी ले रहे तुम लोग, मैंने ये गलती करी थी, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर आप हैं ही, आप सब बताते हैं, वो सही ही होता है जो भी बताते हैं आप। आप वैसे भी डाउन नहीं होने देते किसी को, बस एक यही गलती है कि एग्जाम के पहले रिलैक्स रहना है एकदम, और अगर आप सर सर के अंदर आ गए एक बार तो आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल सही बात बोली अनुराग बेटा आपने। कल भी मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, उसने भी यही बोला, वो तो पूरी रात जगा। अच्छा क्या होता अगर आप अच्छी एक प्रॉपर नींद लेते तो एक फ्रेश माइंड होता, तो जो आज 4:37 रैंक है, हो सकता है उससे कई गुना अच्छी होती। आज सिलेक्शन भी हुआ, यस सर एनआईटी भी बिल्कुल, मिला, पर रैंक यस में सर बहुत इंप्रूवमेंट आता। तो कई बार एक छोटे से पैनिकनेस से हम बहुत पीछे हो जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अनुराग ने बताया। तो बेटा आप लोग जो सुन रहे हैं ध्यान रखिए, नॉट ओनली रेगुलर, इवन एग्जाम में भी और लाइफ में भी कभी पैनिकनेस से कोई चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता। आगे भी ये बात ध्यान रखनी। अभी तो आपने स्टार्ट किया जर्नी, अभी आपके लिए कंपनी आएंगी, कई बच्चे कैंपस के लिए जब कंपनी आती है पहले से नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू में प्रॉपरली बोल नहीं पाते, इसलिए कई बार रिजेक्ट होते हैं। तो पैनिकनेस कभी किसी चीज की सक्सेस दिला ही नहीं सकती। तो मैं आपको भी बोलूंगा और बाकी लिसनर को भी कि हमें कभी पैनिक नहीं होना, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अप्रोच देना। रिजल्ट जो छोड़ दो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आप तो एक चीज कर सकते हो, वो है अपना बेस्ट देना। देखो आपका नींद कम होने के बाद भी पेपर को आपने फिर भी काफी हद तक संभाल लिया, कई बच्चे नहीं संभाल पाते तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ड्रॉप लेना। तो अच्छी बात है आपने संभाल लिया। अब आगे के लिए ये चीज आप हमेशा के लिए अपने लाइफ में रखिए कि कभी भी अगला अगला दिन ऐसा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डे है, उसके एक दिन पहले जितना रिलैक्स होगे वो अगला दिन उतना ही अच्छा जाएगा आपका। यस तो अनुराग आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप ऐसे ही एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्म करिए, आगे बढ़िए, और अपने जूनियर्स को भी और उन बच्चों को भी जो मिसगाइड होते हैं या जो कंफ्यूज होते हैं उनको गाइड करिए, क्योंकि एक सक्सेस जो होती है ना वो इंटायर लाइफ बदल देती है, और एक सही गाइडेंस किसी के जीवन को बदल देता है। और आज हम देखें तो मिसगाइड करने वालों की कमी नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप गाइड करिए, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको हमेशा प्रमोट करिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा।